आगे बढ़ेंगे। बताएंगे मुल्क के दीगर शहरों की तरह खानकाह डोगरा में भी शहजाद कासिम की मेहंदी का जुलूस मरकजी इमाम बारगाह बरामद होकर अपने मुकर्रा रास्तों पर रवा दवा है। इस वक्त नुमाइंदा 7 न्यूज मुद्दसर अली भट्टी वहां पर मौजूद है, उनसे जानते हैं। मुद्दसर अली भट्टी, बताइएगा क्या तफसीलात है। असलाम, जिंदा होता है हर करबला के बाद। जी मुल्क भर की तरह जिगर शहरों की तरह 6वीं महरम का जुलूस शहजादा कासिम की मेहंदी का जुलूस अपने रवायती रास्तों पर रवाना हुआ है। इस हवाले से अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो सिक्योरिटी की भी कड़ी खातरखात इंतजाम सख्त इंतजाम किए हैं और शहर के तमाम रास्तों को तुखारदार तौरों से बंद कर दिया गया। इस जुलूस में आजादारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की है, जो सीना खोबी और जिंदगी कर रही हैं, और जो जाकरीन हजरात हैं वो शहजादा कासिम की शहादत बयान कर रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ कुछ मौजूद हैं, ज़्यादातर मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं आज का सिक्योरिटी के हवाले से और आज के शहजादा कासिम की तो मेहंदी के हवाले से उनका क्या कहना। जी आप लबैक या हुसैन, सिक्योरिटी का बेहतरीन इंतज़ाम है और यह हर साल की तरह इस दफ़े शहजादे कासिम की याद में ये जुलूस आज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बर्पा किया है। सीना जनी और नौखानी हो रही है, जो अपने मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ इमाम बार के मरकज़ी इमाम बार के इमाम हुसैन में अलविदा होगा। और क्या कहते हैं, हम इस प्लेटफॉर्म की तरफ से ये बात बताते हैं कि हम हुसैनियत के साथ हैं और यजीदियत के खिलाफ ये हम एहतजाज कर रहे हैं और क्या कहते हैं बारगाह इमाम हुसैन में अपना नजराना अकीदत पेश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये जुलूस है जो अपने रवायती रास्तों से होता हुआ कमेटी बाजार थाना बाजार और दारे बाजार से होता हुआ शाम को इमाम हुसैनिया में अख्ताम पजीर होगा। जी मुद्दसर अली भट्टी, बहुत शुक्रिया आपका, तफसीलात से आगाह कर रहे थे।